ये है हीरो की तरफ से आने वाली प्लेजर एक्स टेक स्कूटर। काफ़ी अच्छी स्कूटर है, 110 सीसी का इसमें इंजन मिल जाता है और ये टॉप वाला मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको बैकरेस्ट देखने को मिल जाएगा और ये एक्स टेक वाला मॉडल है ना, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे वीडियो में। और इसका क्या प्राइस होने वाला है 2024 में और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप कलर देख सकते हो, कलर जो है काफ़ी अच्छा इसमें मिल जाता है और साथ में यहाँ पे आप देख लीजिए एक येलो वाला कलर भी देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको टॉप मॉडल मिल जाता है, सेम ही स्कूटर है, इसमें आपको सिर्फ कलर का डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे इस स्कूटर के सबसे पहले अपन फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको फ्रंट प्रोफाइल में यहाँ पे आपको क्रोम पार्ट लगाया हुआ मिल जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका यहाँ पे आप कलर देख सकते हो, कलर जो है काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। बाकी यहाँ पे आप सामने की तरफ देख सकते हो हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है, ग्लॉसी लुक मिल जाता है इस स्कूटर में आपको पूरा टोटल यहाँ पे। और यहाँ पे मिरर देख सकते हो, मिरर जो है क्रोम पार्ट में यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये एडजस्टेबल वाले हैं, यहाँ पे देखे तो नंबर प्लेट के लिए जगह भी मिल जाता है, नीचे की तरफ यहाँ पे आपको क्रोम पार्ट लगाया हुआ मिल जाएगा। इंडिकेटर्स की बात करें तो ये हाइलोजन सेटअप के साथ मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मेन लाइट की बात कर लेना तो टोटल यहाँ पे आपको हाइलोजन सेटअप का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ओनली LED के साथ आ रही है ये स्कूटर, ओनली यहाँ पे आपको इंडिकेटर बस मिल जाते हैं हाइलोजन सेटअप के साथ। और यहाँ पे मडगार्ड की बात करें ना तो ये मेटल बॉडी में मडगार्ड मिल जाता है, क्रोम पार्ट लगाया गया है यहाँ ऊपर की तरफ। और यहाँ नीचे टायर की बात करें ना तो 90-110 का टायर साइज मिल जाता है, ये एक्सटेक वाला मॉडल है ना तो इसमें आपको एलॉय देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप एलॉय देख सकते हो, काफी प्यारा लगता है। और इसमें आपको टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो है आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, 130 mm का ड्रम साइज रखा गया है, सिंगल रिफ्लेक्टर मिल जाता है और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी इसमें जो है टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो I3S की बेजिंग मिल जाती है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखे जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का नीचे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब आते हैं इसके मीटर की तरफ, यहाँ पे मीटर की बात करें ना तो मीटर में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों मीटर देखने को मिल जाता है। 110 सीसी का स्कूटर है तो उसमें आपको फुल्ली एनालॉग मीटर नहीं मिलता है, ओनली यहाँ पे एक्सटेक की वजह से थोड़ा सा डिजिटल मीटर लगा दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो I3S की यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है, साथ में आपको हाई बीम लो बीम और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर और प्लस नीचे की तरफ हॉर्न मिल जाता है। और यहाँ पे जो मीटर है अभी चालू नहीं है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे देखें तो आपको की के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे आप इसका की देख सकते हो। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, आप आराम से 1 लीटर की बोतल रख सकते हो और कुछ एक्सटर्नल सामान भी रख सकते हैं। E20 पेट्रोल का यहाँ पे आपको अपडेट भी मिल जाता है। यहाँ पे एक बटन मिल जाती है SOS करके, यहाँ पे आप देख लीजिए जब आप स्कूटर परचेस कर लेते हो तो इसमें आपको 4 से 5 नंबर सेव कर दिया जाता है। जब आप कुछ मुसीबत में रहते हैं तो आप एक बार प्रेस करोगे बटन तो उसमें आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। मान लो अगर गलती से आप प्रेस कर देते हो एक बार तो आप इसको तुरंत 2 बार अगर प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। और यहाँ सीट की बात कर ले तो सीट देख सकते हो काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, इसमें आपको बैकरेस्ट देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा इसमें बैकरेस्ट मिल जाता है, बाकी 2 लोग आराम से राइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जो स्पेस है काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे आपको क्रोम पार्ट लगाया हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल वाले फुटरेस्ट मिल जाएंगे, साइड स्टैंड जो है कट ऑफ सेंसर वाला साइड स्टैंड मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको इंजन दिखा देते हैं, इंजन जो है 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड वाला इंजन मिल जाता है और ये जो है ना किक प्लस सेल्फ दोनों के साथ स्कूटर स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी जो इंजन है साइलेंट वे में स्टार्ट नहीं होता है, इसमें आपको इंजन की फुल आवाज़ आएगी। एक्टिवा की जितनी भी स्कूटर है वो साइलेंट वे में स्टार्ट होती है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए जो ब्रेक है आपको 130 mm का ड्रम साइज इसमें मिल जाता है और इसमें आपको सिंगल सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा अंदर की तरफ और ये एडजस्टेबल वाला सस्पेंशन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप इसका टायर देख सकते हो, इसमें एलॉय में आपको व्हाइट कलर की टेपिंग मिल जाती है। इसका टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको टायर साइज मिल जाता है 90-110 का, इसमें टायर साइज देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ रियर व्यू की बात करें तो आपको हीरो की बेजिंग मिल जाती है और यहाँ सीट खोलने के लिए आपको यहाँ पे की का एडजस्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पे टेल लाइट की बात करें तो हाइलोजन सेटअप के साथ टेल लाइट मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह हाइलोजन सेटअप के साथ मिलता है और यहाँ पे आपको प्लेजर प्लस प्लस एक्सटेक का यहाँ पे बेजिंग मिल जाता है और ये 3D में मिलता है, ये काफी सही लगता है। और यहाँ पीछे की तरफ नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है और इसमें जो है नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इस स्कूटर की वेट की बात करें ना तो यहाँ से आप स्कूटर देख लीजिए, 106 किलोग्राम इसका टोटल वेट चला जाता है। बैक रेस्ट वगैरह यहाँ पे आप देख लीजिए, साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे अभी साइलेंसर मफलर लगा हुआ नहीं है, बाद में लग जाता है।
बाकी यहाँ पे आप इंजन देख सकते हो 110 सीसी का इंजन है। अंदर की तरफ एलॉय देख लीजिए, एलॉय का जो डिज़ाइन है काफ़ी सही लगता है। यहाँ पे आपको प्लेजर प्लस एक्सटेक की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है 3D में, ये भी काफ़ी सही लगती है। और यहाँ पे आपको क्रोम पार्ट लगाया हुआ मिल जाएगा, कलर जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वहाँ साइड में आपको येलो कलर देखने को मिल जाएगा। आप कमेंट्स करके बताइए कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखें तो आपको सिंगल फुटरेस्ट मिल जाता है। इसके फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको अंदर की तरफ फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इसको दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इसमें माइनस पॉइंट ये है कि आपको उतर के सीट खोलना पड़ेगा, उसके बाद फ्यूल इसमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा, प्लस डलवाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्पेस की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल सामान रखा हुआ मिल जाएगा, फर्स्ट एड किट वगैरह और टूल्स मिल जाते हैं। बाकी इसमें यूएसबी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ अंदर की तरफ आपको लाइट मिल जाती है। बाकी सीट जो है काफ़ी अच्छी है, कुछ इतना स्पेस आपको सीट के अंदर मिलने वाला है। इसके माइलेज की बात करें ना तो 110 सीसी का इंजन मिल जाता है। ये आराम से ये स्कूटर जो है आपको 45 प्लस का माइलेज देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें आपको सीट के अंदर की तरफ यूएसबी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको अंदर की तरफ यूएसबी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, आप मोबाइल वगैरह आराम से यूएसबी के थ्रू चार्ज कर सकते हो। बाकी इस स्कूटर के एक्सोरूम प्राइस की बात कर लेना तो यहाँ से आप देख लीजिए 2024 का लेटेस्ट वाला मॉडल है। इसके एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो 74,200 रुपये इसका एक्सोरूम प्राइस चला जाता है। इसके ऑन रोड प्राइस की बात कर ले तो 1,04,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो और एक साइड में इसका कलर देख सकते हो। अगर आप लोगे तो इन दोनों में से कौन सा कलर लोगे, इसके बारे में आप कमेंट्स करिए और बताइए। आपको कंप्लीट डिटेल इन दोनों स्कूटर के बारे में बता दिया गया है, अब आप कमेंट्स करें।